अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम 22 ए नरेगा में गड़बड़ घोटाले को लेकर गांव के मजदूर हुए लामबंद सुंदरलाल ने अनूपगढ़ ज्योति मीडिया को बताया कि नरेगा में एक आदमी की तीन तीन जगह नाम चलाए जा रहे हैं और जो मजदूर काम नहीं करते उनके साथ ने सांठ गांठ कर आधा आधा बंदर बांट कर सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरेगा के पलीता लगा रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत का शीशपाल ने भी अनूपगढ़ ज्योति मीडिया को बताया कि सेड निर्माण में गड़बड़ घोटाला किया गया है। जो मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं उनकी जगह अपने व्यक्तियों के नाम चलाकर भुगतान उठा लिया गया। ग्राम पंचायत के जागरूक लोगों ने न्यूज चैनल के मार्फत जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से ग्राम पंचायत के कार्यों की जांच करने की मांग, ताकि गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। किसी ग्राम पंचायत है 22 के मामलों की है नरेगा हुआ जी के नरेगा के मामला पूरा मामला बताओ जी। नरेगा का मामला वो है के आज पर नाम चलना रहा है, कोई व्यक्ति जिया ना हो वो बिंग जगह और ने खड़ा गया बिंग फोटो पूरी करा देगा और आज पर काम चलना रहा है जिया आधा रुपया बिंग है आधा रुपया आप रख लेवे नहीं किंगा रुपया दाइया जिया भी नाम चलान का और बिमा एक तो गगनदीप है एक LDC है ये सारा शामिल हो रहा है। क्या नाम है LDC? सुभाष जी। अच्छा तब क्या कार्रवाई चाहोगे जी? कार्रवाई तो चाहिए मैं जी को आंगी पोल खुले जगह कपला बाजी ना करे। नहीं थाने क्या ठा लगे भाई कपड़ो चलन लाग रही है जी। मैं तो जी साधारण आदि मंत के कोई मैं ऊपर ही जी नाम क्यों ले चाहवा कि मैं कि जांच कराई जा जब मैंने ध्यान लग गया है। नहीं तो थाने क्या ठाला कभी कितना जॉब कर जाना लाग रहा है फिर जी ने जी भाई फोटो खिंचावा बट है फोटो है हमारे कने एक एक लुगाई तीन तीन बारी फोटो खिंचावा गया आगे। अच्छा तब क्या कार्रवाई चाहो? कार्रवाई तो मैं ही चाहूँ के गरीब आदमी न्याय मिले और जो कहे फ्रॉड चले क्योंकि हम ऊपर कोई ना कोई मुकदमा तो उठा हुआ है। प्रशासन के अधिकारी ना थे कोई अपने वगैरह दियो होगे? नहीं जी कोई भी कौन दियो जी। अच्छा ना नाम बताइएगा। मेरा नाम शीशपाल है जी। कौन सी ग्राम पंचायत से हो? ग्राम पंचायत 22 22 से क्या मामला है पूरा मामला बताइएगा। मामला ये है जी मेरे पापा के नाम से खाड़ा निर्माण और शेड निर्माण हुआ है मेरे खेत में। तो मामला ये है कि मतलब जो लेबर लगी है ना नरेगा द्वारा वो तो हमारी तरफ से लगी है, जो मिस्त्री लगा है ना वो लगा तो हमारी तरफ से ही है, लेकिन मतलब LDC ने जो मिस्त्री के नाम चलाए हैं ना वो खुद के हैं मतलब LDC के, और LDC ने ही 39,000 रुपये पेमेंट उठाई है, और वो जो नाम चलाए हैं उनके नाम भूपेंद्र शर्मा और देशबंधु और गोपीराम हनुमान मेघवाल और सूरजबान सिंह और विनोद कुमार है। इन्होंने क्या किया है मतलब ये नाम भर गए और खुद ने पैसे उठाए हैं, इनकी टोटल अमाउंट 39,000 रुपये हैं, और जो मैंने मिस्त्री लगाया था उसके खाते में कोई पेमेंट नहीं आई है कोई कुछ नहीं आया है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कलेक्टर साहब से भी इस मामले की जाँच की जाए। इन्होंने जो मिस्टॉल जारी किए थे वो मिस्टॉल न तो हमें दिए गए और नहीं मतलब इन्होंने बताया भी इतने नाम चला रहे हैं, जो मैंने नाम दिए उनमें से 5-6 नाम चलाए हैं और अलग से ये खुद ने नाम चलाए हैं जिनकी 39,000 रुपये पेमेंट उन्होंने खुद ने उठा लिए। तो पेमेंट उठाने पर किसी को शिकायत वगैरह की थी आपने? किसी को शिकायत नहीं की है जी, और मैंने तो खुद ही मतलब मोबाइल पर यह देखा है भी कितना पैसा किसने कहाँ लगाया किसने उठाया है वो मतलब चेक किया है मैंने। तो ये पेमेंट किसके द्वारा उठाई गई है? ये LDC सुभाष द्वारा उठाई गई है जो तो वहाँ के इसने खुद के बंदे लगाए हैं जी। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि और सेक्टरी को सूचना दी थी आपने जो उठाई है? नहीं जी नहीं दी। अच्छा तो आगे की अब क्या कार्रवाई चाह रहे हो? आगे कार्रवाई यही है कि हम कलेक्टर साहब के पेश होंगे और कलेक्टर साहब से दरख्वास्त है हमारी ये जो पैसा इन्होंने उठाया है वो हमें पैसा मिलना चाहिए। यही है जी।